अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ तहरीम अब्बास फ्रॉम डेजर्ट रोज साइकिस। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो उसमें हमारे पास आज थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है और वो है एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप्स। तो हम आज पढ़ेंगे एडजेक्टिव की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स पर डिस्कस करेंगे, वो होंगी क्वांटिटी एंड क्वालिटी एडजेक्टिव्स ऑफ एंड न्यूमेरल एंड डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, पॉजेसिव एंड प्रॉपर एडजेक्टिव्स, और इन सब का जो टेंसेज होंगे, सेंटेंसेज होंगे, हम उनमें इनकी जो एग्जांपल्स होंगी उनको लगाकर भी आपको दिखाया जाएगा कि एक सेंटेंस में जब ये इनका यूज़ जो है वो किस तरह से है। तो है डेफिनेशन कि एडजेक्टिव है क्या। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। तो सबसे पहले तो हम नाउन और प्रोनाउन को रिवाइज करते हैं। नाउन बताया था कि यूनिवर्स में जितने भी नेम हैं हमने उन्हें कहना है कि हमारे पास नाउन है, ठीक हो गया। और प्रोनाउन नाउन की जगह इस्तेमाल होने सिंपल वर्ड जो हैं वो यूज़ होते हैं और उन्हें हम कह देते हैं कि ये प्रोनाउन्स हैं, ठीक हो गया। और है इट नॉर्मली इंडिकेट्स क्वालिटी, साइज, शेप, ड्यूरेशन, फीलिंग्स, कॉन्टेंट्स एंड मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। कह रहे हैं कि ये नॉर्मली इंडिकेट करता है क्वालिटी को, साइज को, शेप, ड्यूरेशन, फीलिंग्स, कॉन्टेंट एंड मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के मतलब के ये अब सिंपल डेफिनेशन हमें बता रही है कि जो हमारे पास एडजेक्टिव है ये नाउन और प्रोनाउन की खासियत को, उनकी क्वालिटी को आइडेंटिफाई करता है, ठीक हो गया। ये बताता है कि जो नाउन और प्रोनाउन है उनकी खासियत क्या है हमारे पास। अब जो इसकी एग्जांपल्स हैं उसमें तो आ जाता है कि काइंड, रिच, पुअर वगैरह वगैरह क्वालिटीज़ आ जाती हैं कि फ़लाना बंदा जो है या फ़लानी ये जो चीज़ है इसकी क्वालिटी क्या है, ब्यूटीफुल है, बैड है, ये वो। तो छोटी सी सादा सी मिसाल आपको बताती हूँ, वो ये कि देखिए हम मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स होती हैं, हम उन पर कमेंट्री भी, उन पर पोस्ट आती हैं, वीडियो, फ़ोटोज़, ऐसी पोस्ट होती हैं, ठीक हो गया। या फिर वैसे कुछ पोस्ट में कोटेशंस आ जाती हैं वगैरह वगैरह, काफ़ी पोस्ट, हर तरह की पोस्ट। तो हम पोस्ट पर या यूट्यूब चैनल्स पर या किसी की यूट्यूब की किसी भी वीडियो पर कमेंट्री, सिंपल हम कमेंट्री करते हैं, ठीक है। कमेंट्री में हम कह देते हैं कि वेरी नाइस, माशाल्लाह, या फिर इट्स ब्यूटीफुल लाइंस, ग्रेट लाइंस, ये वो, या फिर लेक्चर इज़ मच इंफॉर्मेटिव वगैरह वगैरह। कमेंट्री में अच्छी बुरी हर तरह की कमेंट्री आ जाती है, वर्डिंग भी अच्छी बुरी हर तरह की यूज़ हो जाती है। तो एडजेक्टिव में भी ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है अच्छाई ही बयान की जाए, नहीं, बुराई भी आती है क्योंकि कमेंट्री की जा रही है ना। तो अभी ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास, एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव्स इन सेंटेंसेस जो हैं वो ये हैं कि देखें, एग्जांपल हमारे पास ज़ारा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल खूबसूरत लड़की है, ज़ारा एक खूबसूरत लड़की है, ठीक है। तो अब खूबसूरत लगाने से पता चल गया कि उसकी खासियत क्या है या फिर वो कैसी है, मज़ीद इजाफा हो गया हमारी इंफॉर्मेशन में। एंड यू आर अ पंचुअल, कि तुम एक पंचुअल हो, बाकायदा हो। एंड थर्ड है सना इज़ अ क्लेवर गर्ल, सना एक चालाक लड़की है। अब वैसे भी था कि सना इज़ अ गर्ल, फिक्रा सेंटेंस सिंपल सा, लेकिन क्लेवर लगा दिया तो पता चल गया कि उसकी खासियत क्या है, वो है कैसी। और फिर है देर इज़ अ लिटल टाइम फॉर प्रिपरेशन, लिटल लिटल भी ये टाइम की खासियत है कि टाइम हमारे पास कैसा है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, कम है या बहुत कम है। एंड है ही गेव मी 5 मैंगोज, उसने मुझे 5 आम दिए, तो 5 मैंगोज। अब इसमें भी मैंगोज़ की खासियत आ गई कि वो कितने थे, अब फिर चाहे वो मकदार में आ गई है या फिर जैसे भी आ गई है। द लेज़ी बॉय वाज पनिश्ड बाय हिज टीचर, अब यहाँ पे लेज़ी ये लड़के की खासियत को बता रहा है। अब लेज़ी ये भी एक किस्म की मतलब बैड ही वर्ड है ना, मतलब जैसे भी है, ये थोड़ा सा एक तारीफ़ी तो नहीं ना, तनकीदी ही है, लेकिन जो भी है ये हमारे पास एडजेक्टिव है क्योंकि ये आइडेंटिफाई कर रहा है क्वालिटी को,
नाउन या प्रोनाउन की। तो बॉय माय पास, ये नाउन नाउन है ना माय पास, तो लेजी सुस्त, तो ये भी एक किस्म का माय पास वर्ड एडजेक्टिव है। लाहौर इज़ अ लार्ज सिटी, तो लार्ज लार्ज भी बताया जा रहा है कि सिटी जो है लाहौर वो बहुत बड़ा है। इज़ अ लार्ज सिटी, तो लार्ज सिटी बड़ा है, बड़ा होना भी एक खासियत है। अकरम इज़ एन ऑनेस्ट मैन, अकरम एक ईमानदार आदमी है, तो ऑनेस्ट ऑनेस्टी भी एक खासियत है। चाहे ये अच्छी वर्डिंग में आ रही है, तो सिंपल अच्छे बुरे या फिर जैसे भी अल्फाज हों वो हमारे पास एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी भी बंदे की क्वालिटी को बता रहे हों कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, बुरी है, लो है, अप है, इसका स्टैंडर्ड जो भी। अब टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स देखें आप कि जिस तरह हमने नाउन प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा के उनकी टाइप्स को भी हमने डिस्कस किया। वो क्यों किया? क्योंकि हमारे पास अब नाउन थे तो नाउन भी बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए, प्रोनाउन थे तो प्रोनाउन भी बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए, इसीलिए हमने उनकी टाइप्स को इसीलिए बनाया गया है ताकि हम उन्हें एक समझने का जो है ना हमारे पास मतलब ठीक से हम उन्हें समझ सकें। जब वो कैटेगराइज हो जाएंगे, वो जो एक इकट्ठे से हो के एक बर्डन टाइप बन गया था, और लेकिन जब हमने उन्हें कैटेगराइज किया तो हमें समझ आ गई कि ये हर एडजेक्टिव जो है टाइप्स जब बन जाती हैं तो पता चल जाता है कि क्लासिफाइड हो गए। तो मतलब कि एक किस्म की अब हर क्लास, जैसे हर क्लास के बंदे होते हैं, लो क्लास के, अपर क्लास के, मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के, तो इसी तरह टाइप्स का भी यही मकसद होता है कि इससे पहचान होती है कि ये चीज़ किस किस्म की, मतलब टाइप्स इसीलिए बनाई जाती हैं क्योंकि अब इंसान हैं तो इंसान तो हर तरह के हैं। अब एक इंसान मतलब इंसान बहुत ज़्यादा बन गया, लेकिन इंसानों में भी अपर, लोअर, मिडल, मिडल क्लास, इस तरह क्लासेस बनी हुई हैं, तो बिल्कुल इन्हें भी इसीलिए ही बनाया जाता है। तो मेरे पास 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं। व्यूवर्स, एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए कि वीडियो को फिनिश करने के बाद अगर आपको लगे कि आपने कुछ भी, मतलब आपने मेरी वीडियो से 1% भी कुछ नया सीखा हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी यूट्यूबर्स हैं उनको पता है कि ये चीज़ें एक यूट्यूबर के लिए कितना ज़्यादा रोल प्ले करती हैं, आपका सपोर्ट हमारे लिए कितना अहम होता है। सो मेक श्योर आप लोग वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि हमारी आने आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुँचें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अपनी राय भी दिया करें काइंडली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो टाइप्स ऑफ जो एडजेक्टिव्स हैं उनमें हमारे पास द फर्स्ट वन है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, सिफ्त ज़ाती, एंड द सेकंड वन इज़ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, सिफ्त मिकदारी, एंड द थर्ड वन इज़ नोमिनल एडजेक्टिव्स, सिफ्त अददी तरतीबी, एंड द फोर्थ वन इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, सिफ्त इशारी, एंड द फिफ्थ वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, सिफ्त तकसीमी, डिस्ट्रीब्यूटिव तकसीमी, एंड द सिक्स वन इज़ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, कलमा इस्तफहाम, एंड द सेवन्थ वन इज़ पोजेसिव एडजेक्टिव्स, सिफ्त मलकियती, एंड द एट वन इज़ प्रॉपर एडजेक्टिव्स। ये हमारे पास 8 टाइप्स या काइंड्स हैं एडजेक्टिव की, और अब हम इन्हें डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। अब हमारे पास जो फर्स्ट काइंड या टाइप है हमारे पास एडजेक्टिव की, वो है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। तो सबसे पहले आप फोकस करें क्वालिटी, वर्ड क्वालिटी पे। क्वालिटी मीन, ये तो कॉमन सा वर्ड है, क्वालिटी मीन मतलब कि अब अनपढ़ बंदा भी है तो वो भी किसी शॉप या किसी मतलब चीज़ को जब बाय करने लगता है या ख़रीदने लगता है तो कहता है जी इस चीज़ की क्वालिटी क्या है। तो क्वालिटी मतलब क्या होता है कि इस चीज़ की जो ज़ाती खासियत या इस चीज़ की हालत या कैफियत क्या है। तो डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन बताती है कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी आर वर्ड्स डैट टेल अस अबाउट द काइंड और क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन और थिंग बींग टॉक अबाउट, मतलब कि ऐसी चीज़ या ऐसा बंदा मतलब कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी क्वालिटीज़ या उसकी काइंड के बारे में बात बताए जो वर्ड हमें, वो होता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। मतलब क्या वो इसम सिफ्त जो किसी नाउन या प्रोनाउन का कोई ज़ाती वस्फ या उसकी किसी हालत या कैफियत को जाहिर करे, मतलब
एक बंदे की ज़ाती पर्सनल जो उसकी एक ख़ासियत या उसकी जो ख़ासियत या उसकी हालत है उसको बयान करना। अब सच एडजेक्टिव्स इंक्लूड वाइट, नाइस, लार्ज, ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट, ईटीसी। तो सादा सी बात है, जैसा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वर्ड ने ही बता दिया कि किसी चीज़ की क्वालिटी को बयान करने वाले एडजेक्टिव जो हैं वो हमारे पास कहलाते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। उसकी ज़ाती सिफ्त या फिर उसकी हालत या कैफियत को जो जाहिर। अब मज़ीद हम मतलब जो इसके आपको समझ आ जाएगी जब हम सेंटेंस में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वाले वर्ड्स होंगे उनका यूज़ जब आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल सब आपके क्लियर हो जाएंगे। तो एग्जांपल्स में है कि सबसे पहले है कि दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस, दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस। अब ब्यूटीफुल ये घर की एक ज़ाती जो है कैफियत या हालत बयान हो रही है कि ब्यूटीफुल घर खूबसूरत है, या मतलब दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस, वो एक खूबसूरत घर में रहते हैं। एंड सेकेंड है सना इज़ वेयरिंग अ स्लीवलेस शर्ट टूडे। तो थर्ड है दिस सोप इज़ नॉट एडिबल, मतलब कि ये जो साबुन है एडिबल, मतलब ये भी अब साबुन की खासियत ज़ाती जो उसका वस्फ है वो बयान किया जा रहा है। शी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसने एक खूबसूरत ड्रेस पहना। तो ब्यूटीफुल ड्रेस, तो ये भी एक जो ड्रेस है उसकी ज़ाती खासियत है, उसकी हालत या कैफियत बताई जा रही है कि ड्रेस कैसा है। ही राइट्स मीनिंगलेस लेटर्स, उसने मीनिंगलेस लेटर्स लिखे, मतलब यहाँ पे भी मीनिंगलेस, ये भी लेटर्स की खासियत या उनकी हालत या कैफियत जाहिर हो रही है कि वो कैसे थे। ठीक हो गया। तो ऐसे ही वर्ड्स जो कि किसी भी हालत या कैफियत को जाहिर करें, किन की, नाउन या प्रोनाउन की, तो वो होते हैं हमारे पास एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। तो सिंपल ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है ये भी एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव भी क्वालिटी को ही आइडेंटिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन की, और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी यही बता रहा है। लेकिन ये भी इसकी एक काइंड बनाई गई है। तो आगे भी हम जब इसकी टाइप्स और पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद पता चलेगा। तो ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है इसमें भी मज़ीद इसके भी दो वेज़ हैं, एक एट्रीब्यूटिवली है एंड एक है प्रेडिकेटिवली। तो ऐसे टेंसेस जिनमें हम मतलब के जो नाउन से पहले जब एडजेक्टिव को लगा दें तो वो हमारे पास हो जाता है कि एट्रीब्यूटिवली यूज़ किया है। एंड देन जब हम मतलब किसी कुछ ऐसे टेंसेस आ जाते हैं जिनमें हम जो एडजेक्टिव है उसके बाद जब मतलब के नाउन के बाद एडजेक्टिव को लगाएं तो वो होते हैं प्रेडिकेटिवली। ठीक हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनमें आपको समझ लगेगी। मतलब जैसे ये पहली एग्जांपल में देखा जाए तो ब्यूटीफुल हाउस, तो ये हमारे पास नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज़ किया गया, तो ये हमारे पास एट्रीब्यूटिवली यूज़ था। और उसके बाद ये थर्ड जो एग्जांपल है इसमें देखें कि दिस सूप इज़ नॉट एडिबल, तो ये जो हमारे पास एडिबल वर्ड यूज़ हुआ है ये हमारे पास हुआ है नाउन के बाद यूज़, तो ये हमारा था प्रेडिकेटिवली यूज़ जो था एडजेक्टिव का वो ये था। तो मतलब ऐसे ही कि जब वर्ब से वो नाउन से पहले यूज़ किया जाए तो एट्रीब्यूटिवली यूज़ होगा, एंड देन जब नाउन के बाद यूज़ किया जाए तो वो होता है प्रेडिकेटिवली। और ये थी हमारी फर्स्ट टाइप या काइंड ऑफ एडजेक्टिव। और अब हमारी है सेकेंड टाइप जो है वो है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। तो क्वांटिटी वर्ड पे फोकस करें, क्वांटिटी मिकदार, ठीक है। तो मिकदार से बन गया कि सिफ्त मिकदारी। तो डेफिनेशन बता रही है कि द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी इज़ यूज्ड विद नाउन्स दैट आर अनकाउंटेबल इन नेचर, कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है ये उन नाउन्स के साथ यूज़ किया जाता है या इस्तेमाल होता है जो कि अपनी नेचर के हिसाब से अनकाउंटेबल हो,
जो कि ना गिने जा सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल वो देते हैं कि देर इज़ लिटल ऑयल लेफ्ट फॉर कुकिंग, ये बहुत थोड़ी मिकदार में जो ऑयल है ये बचा है किसके लिए, कुकिंग के लिए। हेयर लिटल इज़ अ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि ये लिटल जो है ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। वो कैसे, क्योंकि लिटल यहाँ पे मिकदार को ज़ाहिर कर रहा है, और मिकदार भी कैसी जो कि अनकाउंटेबल है, जो गिनने के काबिल नहीं है। तो ऐसे वर्ड जो कि नाउन के कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि बाय नेचर अनकाउंटेबल होते हैं, तो उनकी जो मिकदार होता है उसको ज़ाहिर करें। तो ऐसे एडजेक्टिव जो होते हैं वो कहलाते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। एंड वेयर एज एन एडजेक्टिव दैट रेफर्स टू हाउ मैनी और इन व्हाट ऑर्डर द पर्सन थिंग इज़ द एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमेरल एडजेक्टिव, के मतलब हाउ मैनी और इन व्हाट ऑर्डर, के कितने और किस ऑर्डर में जो पर्सनस हैं या थिंग्स हैं वो हमारे पास सिफ्त में इन नंबर फॉर्म या नोमिनल एडजेक्टिव्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। मज़ीद हम इनकी जो एग्जांपल्स हैं इन सेंटेंसेस वो करते हैं, तो उससे हमें मज़ीद हमारे जो कन्फ्यूजन है वो दूर होगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल्स देखें कि फर्स्टली है ही गेव मी सम मनी, तो कुछ पैसे। अब यहाँ पे मनी हमारे पास नाउन है क्योंकि नाम है एक, और सम तो ये हमारे पास अब क्वांटिटी आ रही है, तो सम ये ऐसी क्वांटिटी है जो के मतलब के इन आ डिग्री फॉर्म, इन आ मैग्नीट्यूड फॉर्म, या मतलब कि ये हमारे पास अनकाउंटेबल है सम। अब कुछ को कैसे गिना जा सकता है, ठीक है, मतलब अब ये नंबरिंग में तो नहीं ना आ रहा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह की नंबरिंग में आ जाए, या फिर मतलब हमारे पास वो ऑर्डर्स जो होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड या ऐसे करके आ जाए, नहीं, क्योंकि ये मतलब बिल्कुल किसी भी गिनती में शुमार नहीं हो रहा, अनकाउंटेबल है। एंड देन देयर इज़ नो शुगर इन द टी, नो शुगर, कोई चीनी नहीं है टी में, तो शुगर का ना होना बिल्कुल ही मिकदार है नहीं, ये भी अनकाउंटेबल है। तो ही हैज़ पुट अ लिटल मिल्क इन द कप, लिटल मिल्क, अब बहुत थोड़ा दूध जो है उसने हमें मतलब कप में डाला, तो लिटल भी हमारे पास जो वर्ड यूज़ हुआ है ये भी जो है ना आप देखें तो ये भी मिकदार को तो जाहिर कर रहा है लेकिन अनकाउंटेबल, ठीक है। नाउन की मिल्क, नाउन नाम आ गया, नाउन की जो मिकदार है वो बहुत अनकाउंटेबल है, जिसे अब गिनती में वो नहीं शुमार हो सकती, तो उसको मतलब कि यहाँ पे रेफ़र करने के लिए जो एडजेक्टिव्स है वो हो गया एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। अब हमारी जो थर्ड टाइप ऑफ एडजेक्टिव है वो है न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। तो कहते हैं कि दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू रेफर टू कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स। द न्यूमेरल एडजेक्टिव इज आल्सो कॉल्ड द एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमेरल एडजेक्टिव एज इट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर्स और ऑर्डर ऑफ एनी सब्सटेंस और एनीथिंग एल्स इन अ सेंटेंस। बिकॉज ऑफ द नंबर सीक्वेंसेस इट प्रोवाइड्स मोर डिटेल्स एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इन अ सेंटेंस। 1, 2, 5, 10 फर्स्ट सेकेंड थर्ड 10th, 12th लास्ट ऑल सम फ्यू ईच मोस्ट मैनी नो सेवरल आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ नोमिनल एडजेक्टिव। तो सिंपली ये कि वो सिफ्त जो अशखास या चीज़ों की तादाद को ज़ाहिर करे या उनकी तरतीब को ज़ाहिर करे, बताए कि कितनी क्वांटिटी में या कितनी तादाद में हमारे पास जो नाउन्स हैं वो हैं। अब कुछ नाउन्स होते हैं जिनको हम जो कि काउंटेबल नाउन्स होते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है कि काउंटेबल नाउन्स की तादाद को ज़ाहिर करें, उनकी तरतीब को ज़ाहिर करें, ठीक हो गया। अब वो बताते हैं इसमें कि यूज टू रेफर कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स। तो कार्डिनल नंबर्स जो होते हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारे पास कार्डिनल नंबर्स होते हैं, और ऑर्डिनल नंबर्स में आ जाता है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तो वो बोल रहे हैं कि इन्हें रेफर करें। द न्यूमेरल एडजेक्टिव इज़ आल्सो कॉल्ड द एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स और न्यूमेरल एडजेक्टिव्स।
कि ये हम इन्हें एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये गिनती में आके चीज़ों की गिनती को, मतलब गिनती के हिसाब से उनको ज़ाहिर करें या उनकी तरतीब को ज़ाहिर करें। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास नॉमिनल नंबर्स एडजेक्टिव जो हैं वो ऐसे होते हैं। और नीचे ये उन्होंने एग्जांपल्स भी बताई हैं, 1, 2, 3, 4, या फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या फिर सम, फ्यू, ईच, मोस्ट, मैनी, तो ऐसे करके उनके तादाद को या उनकी तरतीब को जाहिर करते हैं। नॉमिनल एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की जो होती है, मतलब या फिर जो चीज़ें होती हैं, थिंग्स होती हैं, वो उनकी या अशख़ास की तादाद को या उनकी तरतीब को जाहिर। अब यहाँ पे हमारे पास हम डिफरेंस जो है वो देखते हैं कि डेफिनेट नोमिनल नोमेरियल एडजेक्टिव्स और इनडेफिनेट नोमेरियल एडजेक्टिव्स में डिफरेंस क्या है। तो डेफिनेट नोमेरियल एडजेक्टिव्स जो हैं वो शो करवाते हैं एग्जैक्ट नंबर और सीरियल ऑर्डर ऑफ पर्संस और थिंग्स को। अब इनमें कॉर्डिनल्स और ऑर्डिनल्स नंबर आते हैं, ठीक है, तो ये सीरियल ऑर्डर करते हैं पर्सन्स का या थिंग्स का एग्जैक्ट नंबर और सीरियल ऑर्डर के थ्रू ये शो करवाते हैं कि एक गिनती में बताते हैं कि 1, 2, 3, 4 एक किस्म की एक तादाद, एक सीक्वेंस से बताते हैं कि ये चीज़ इतने, मतलब नंबर्स के हिसाब से 1, 2, 3 ऐसे आ गया, या फिर ऑर्डिनल नंबर्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह करके बताते हैं। और इनडेफिनेट नोमिनल जो होते हैं, दिस डू नॉट शो एन एग्जैक्ट नंबर, ये एग्जैक्ट नंबर को शो नहीं करवाते। फॉर एग्जांपल, ऑल, सम, मैनी, एनी, सर्टेन, सेवरल, सेंड्री, नो, फ्यू, तो ये इनकी एग्जांपल्स हैं। ठीक हो गया, तो ये जो हैं ये मतलब कि 1, 2, 3 इसमें नोमिनल एडजेक्टिव्स का कोई अमल दखल नहीं होता, क्योंकि ये इंडेफिनेट नोमिनल एडजेक्टिव्स आ गया। इसमें कार्डिनल्स या ऑर्डिनल्स का कोई अमल दखल नहीं होता, ये एग्जैक्ट जो नंबर्स होते हैं उनको नहीं बताते हैं, बल्कि आल, सम, मैनी, मतलब कि कह दिया कि सब या कुछ या फिर थोड़े से या एनी, कोई एक, ऐसे करके सर्टेन, सेवरल, सन्ड्री, नो, फ्यू, इट्स, मतलब लेट्स सपोज, इस तरह करके। और अब इनकी एग्जांपल्स हम देखते हैं, तो एग्जांपल्स से ज़्यादा आपको क्लियर होगा। वी वर 4 बॉयज इन सर्च ऑफ एडवेंचर, वो कह रहे हैं कि हम लोग 4 लड़के थे इन सर्च ऑफ एडवेंचर, एडवेंचर की सर्च में। तो यहाँ पे मेंशन किया है नंबरिंग को कि हम 4 लड़के थे। ठीक हो गया, 4, ये अब हमारे पास डेफिनेट नोमिनल एडजेक्टिव आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेट नोमिनल एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। इसके बाद है, रैमन काउंटेड 47 राइप मैंगोज ऑन द ट्री, कि रैमन ने काउंट किया 47, मतलब कि 47 राइप मैंगोज, रसीले आमों को, ऑन द ट्री, ट्री पर, दरख्त पर। तो यहाँ पे भी 47 राइप, यहाँ पे भी मतलब के कार्डिनल नंबर से मेंशन किया गया है कि इतनी तादाद थी रसीले आमों की, ठीक है, जिन्हें काउंट किया गया। तो ये भी हमारे पास डेफिनेट नोमिनल एडजेक्टिव यूज़ हुए हैं यहाँ पे। अब है, डेट सिटी हैज़ एट लीस्ट 12 मिलियन इनहेबिटेंट्स, तो यहाँ पर भी 12 मिलियन यूज़ हुआ है वर्ड। तो ये भी हमारे पास इन डेफिनेट नोमिनल एडजेक्टिव जो है वो यूज़ हुआ है यहाँ पे। अब है, मिसिंग 20 डेज लेफ्ट इन द ईयर, 20 डेज, तो यहाँ पे भी 20 जो वर्ड है ये भी हमारे पास डेफिनेट नोमिनल एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे भी ये, अब नीचे भी ऐसे एग्जांपल्स हैं, देर आर मोर देन 40,000 डेथ्स ड्यू टू द पेंडेमिक, और ये है फ्रांसिस्को वांट्स टू लव्स एंड लोशिया वांट्स एन एप्पल, तो इस तरह करके, मतलब कि यहाँ पे अब जो हमारे पास वर्ड जो हैं, जो कि किस्म के नंबर, एग्जैक्ट नंबर को या सीरियल ऑर्डर ऑफ पर्सन और थिंग को शो करवा रहे हैं, वो डेफिनेट नोमिनल एडजेक्टिव हो गए। और ऐसे जो एडजेक्टिव हैं, दिस डू नॉट शो एन एग्जैक्ट नंबर, तो वो होते हैं इनडेफिनेट नोमिनल एडजेक्टिव्स। तो ये एग्जांपल्स थी। और अब हमारे पास है 4th टाइप ऑफ एडजेक्टिव, जो कि है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, सिफ्त इशारी, डिमॉन्स्ट्रेटिव मीन इशारी।
तो दीज आर द एडजेक्टिव्स दैट शो विच और व्हाट थिंग और पर्सन इज मीन. फॉर एग्जांपल दिस दैट दीज दूज यंडर सेम सच ईटीसी. मतलब कि वो सिफ्त जो किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करके जाहिर करे कि कौन सा शख्स या कौन सी चीज़ मुराद है. ठीक हो गया. तो उसके लिए वर्ड कौन से यूज़ किए जाते हैं, दिस डैट दिस दूज योंडर सेम सच ईटीसी. दिस दिस का यूज़ किया जाता है क्रीप की एक वाहिद चीज़ के लिए, डैट दूर की वाहिद एक चीज़ के लिए, दिस क्रीप की ज़्यादा चीज़ों के लिए और दूज दूर की ज़्यादा चीज़ों के लिए. ठीक है. इस तरह योंडर सेम सच ईटीसी. इसी तरह अब एग्जांपल्स हैं हमारे पास डिमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की. यहाँ से हम डिमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को मज़ीद समझते हैं और हमारी मज़ीद जो कन्फ्यूजन होगी वो दूर हो जाएगी. तो दिस हॉस्पिटल वाज वेयर आई वाज बॉर्न. अब दिस ये की तरफ, ये क्रीब. अब जाहिर है हॉस्पिटल के क्रीब ही, मतलब के अब चले लेट्स सपोज मैं हूँ तो मैं हॉस्पिटल के करीब खड़ी हूँ और मैं कह रही हूँ कि दिस हॉस्पिटल वाज वेयर आई वाज बॉर्न, कि ये हॉस्पिटल वहाँ था जब मैं पैदा हुई. ठीक हो गया. आई एम नॉट इन अ सिचुएशन टू लैंड यू मनी एट दिस मोमेंट. तो यहाँ पे भी दिस वर्ड यूज हुआ है करीब के, करीब का, करीब की तरफ इशारा है कि एट दिस मोमेंट, मतलब कि इस वक्त. तो द एम्बियंस ऑफ दिस कैफे इज स्मूथिंग, दिस कैफे, इस कैफे. तो यहाँ पे भी इशारा किया जा रहा है कि प्रेजेंट या मतलब नज़दीक. ठीक है. दिस नज़दीक की तरफ है. दैट बॉय वाज द वन हु वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द इंटर स्टेट सिंगिंग कॉम्पिटिशन. डैट डैट बॉय, अब वो लड़का. ठीक है, वो लड़का. अब दूर की वाहिद नाम की तरफ इशारा या वाहिद इंसान की तरफ इशारा है, लेकिन वो दूर. ठीक हो गया. अब कैन यू सेंड दूज पैकेजेस टू द स्टोर, दूज पैकेजेस. तो अब यहाँ पे भी वर्ड दूज यूज़ किया गया है. तो ये जो दूज वर्ड है ये भी हमारे पास डिमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये भी किस्म के इशारा कर रहा है, किसी शख्स जगह या चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है और ये जाहिर कर रहा है कि कौन सा शख्स, कौन सा शख्स या कौन सी चीज़. तो ये जो हम एग्जांपल्स थी इनमें हमारे पास ये जो है वर्ड्स हैं ये हमारे पास एज अ प्रोनाउन भी यूज हुए हैं, दिस और दिस डैट और ये जो दोज था. तो ये जो वर्ड हैं ये हम नाउन से पहले भी इस्तेमाल मतलब किए गए हैं और इसकी कोई सिफ्त मतलब बयान करें तो ये डिमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. ठीक हो गया. और अब हमारे पास है फिफ्थ टाइप ऑफ एडजेक्टिव और वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. तो देखिए आप नेम डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट मतलब तकसीम करना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब तकसीमी सिफ्त, सिफ्त तकसीमी. डेफिनेशन कहती है कि दीज आर द एडजेक्टिव्स डैट शो डैट थिंग्स आर टेकन सेपरेटली. तो वो सिफ्त जो किसी दी गई मिकदार या तादाद में से हर एक की तरफ इशारा करके, या वो सिफ्त जो ये जाहिर करे कि अशिया का शुमार अलग अलग किया गया है. ठीक है, मतलब कि चीज़ों के दरमियान फ़र्क करे. ठीक हो गया. या मैं उनमें एक किस्म की अलग अलग डिफरेंस को लेके आए, डिफरेंस पैदा करे और बताए कि ये चीज़ अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है. तो वो वर्ड कौन से होते हैं, ईच, एवरी, इधर, नेदर, ईटीसी. ये मेरे पास वर्ड्स होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं. अब इनका हम मज़ीद आगे एग्जाम्पल में इन सेंटेंसेस यूज़ देखते हैं. एग्जाम्पल्स में कहा जा रहा है कि फर्स्टली है इधर पाथ विल गेट अस आउट ऑफ द वुड्स. इधर, तो इधर पाथ विल गेट अस आउट ऑफ द वुड. तो इधर ये भी अब ये अलग कर रहा है. ठीक है, ये भी अब पाथ को अलग करके बता रहा है कि ये पाथ फला है और ये मतलब के गेट अस आउट ऑफ द वुड, कि ये हमें मतलब के लकड़ियों वाला जो रास्ता है उससे अलग रास्ता है जिससे हम जा सकते हैं या फिर जो भी. देयर कुड बी अ हायरी स्पाइडर इन इधर बॉक्स. ठीक है, अब यहाँ पे भी इधर लफ्ज यूज़ हुआ है, तो ये भी एक किस्म का इधर बॉक्स. तो ये भी डिफरेंस शो कर रहा है.
ठीक हो गया। तो ये वर्ड्स हमारे पास चीज़ों का या अशिया का शुमार अलग अलग कर देते हैं। अब नीदर नीदर मैन न्यू हाउ टू फ्लाई अ प्लेन, एवरी चाइल्ड रिसीव अ टॉय, तो नीदर वर्ड भी यूज हुआ है। नीदर मैन नाउ हाउ टू फ्लाई अ प्लेन, तो ये नीदर भी अब यहाँ पे भी एक किस्म का अलग कर रहा है शुमार, ठीक हो गया, शुमार को अलग हो गया मतलब इससे चीज़ों का या इंसानों का या जो भी है, तो ये अलग शुमार कर रहा है। द चिल्ड्रन रिसीव्ड टॉयज, मतलब ऐसे करके यही वर्ड्स होते हैं हमारे पास जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। तो सिंपली ये कि वो वर्ड जो कि तादाद या मकदार में से हर एक की तरफ इशारा करके अशिया का शुमार अलग अलग करते हैं, वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। नाम से ही जाहिर है, डिस्ट्रीब्यूटिव तकसीम करना या अलग अलग शुमार कर दें, तो ये तो इजी है, डिस्ट्रीब्यूटिव नेम से ही आप पहचान इसकी रख सकते हैं। अब हमारे पास सिक्स जो है टाइप ऑफ एडजेक्टिव वो है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो अब सबसे पहले तो आप नेम देखें, अपने हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउंस भी पढ़े हैं, तो वो था कि मतलब सवालिया, ठीक है, इंटरोगेटिव मतलब सवाल यही होता है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चनिंग की जाए। तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स कलमा इस्तफहाम या फिर सवालिया सिफ्त सवालिया। तो यहाँ पे आगे डेफिनेशन बताते हैं कि दीज आर एडजेक्टिव्स डेट आर यूज्ड विद नाउन्स फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, कि ऐसे एडजेक्टिव्स जो नाउन के साथ यूज़ हों फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, कुछ पूछने के लिए, क्वेश्चनिंग के लिए यूज़ हों। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ड विच हुज़ फेयर हु हाउ होम etc. तो ये वर्ड जो हैं किसी इसम के साथ मिलकर सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन उन्होंने ये बता दिया वर्ड विच हुज़ फेयर हु हाउ होम etc. अब यहाँ पे आपको मैं यूज़ इनका बताती चलूँ, तो हु और हुम को सिर्फ इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जानदारों के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है। जानवरों में फिर जानदार चीज़ों में इंसान और जानवर ही आते हैं, लेकिन मतलब सिर्फ हु और हुम को हम सिर्फ़ और सिर्फ ह्यूमंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसमें परिंदे जानवर वगैरह कुछ भी मतलब किसी के लिए भी, किसी भी जेंडर के लिए यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए, ओनली पर्संस। और विच आ गया, तो विच को सिर्फ हैवानों परिंदों और बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक हो गया। और इसके बाद मेरे पास यूज़ ऑफ जो है क्या कहते हैं वर्ट आ जाता है, और इसी तरह एग्जांपल्स देखते हैं, तो एग्जांपल्स में मज़ीद आपको बताती हूँ। एग्जांपल्स है कि हु वाज इन डैट रूम, हु वाज इन डैट रूम, कि इस कमरे में कौन है। और ये भी अब हु, ये भी एक किस्म के सवाल, या मतलब सवाल किया जा रहा है। कैन यू टेल मी हुम आई शुड कॉन्टैक्ट हुम, अब यहाँ पे हुम वर्ड देखें आप, पर्सन के लिए ही यूज़ किया गया है, किसी जानवर किसी परिंदे वगैरह के लिए यूज़ नहीं किया गया, ना ही किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए। Do you know whose vehicle is parked in B2? तो यहाँ पे भी whose word use किया गया है, तो whose word का use हुआ है, तो वो भी questioning के लिए, ठीक है। तो ये जो मेरे पास word हैं ये interrogative मतलब questioning के लिए use किए जाते हैं। Which of these did you find in the lost and found box? तो यहाँ पर भी word which, तो ये वर्ड मेरे पास नाउन के साथ लग कर ये एज एडजेक्टिव यूज़ होते हैं। तो जब ये क्वेश्चनिंग में आ रहे हों तो हम समझ जाएं कि ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। और अब ये हमारा सेवंथ जो है वो है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, मलकियत जाहिर करने वाले, ठीक है, सिफ्त मलकियती, ये मलकियत को जाहिर करते हैं। पोजेसिव मीन मलकियत। अ पोजेसिव एडजेक्टिव इज़ एन एडजेक्टिव डेट मॉडिफाइज अ नाउन बाय आइडेंटिफाइंग हु हैज़ ओनरशिप और पोजेशन ऑफ इट, मतलब कि वो अल्फाज जो किसी इसम मतलब नाउन के साथ इस्तेमाल होकर मलकियत को जाहिर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल है इन दिस सेंटेंस एंड्रयू लॉस्ट हिज कीज, द वर्ड हिज इज़ आ पोजेसिव एडजेक्टिव, हिज उसकी, तो यहाँ पे उसकी ज़ाती मलकियत की बात हो रही है कि मतलब कि उसकी, ठीक हो गया।
एंड डैट इंडिकेट द कीज़ बिलोंग टू एंड्रियो, कि ये बता रही हैं, इंडिकेट कर रही हैं कि जो कीज़ हैं वो एंड्रियो की हैं, ठीक है, मतलब ये मलकियत को जाहिर करते हैं। अब इसमें वर्ड आते हैं दिस, वो, दिस बोल रही हूँ, माई, यूअर, आवर, इट्स, ये वर्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं ये हमारे पास, क्योंकि देखें ना, अब ये बता रहे होते हैं कि मतलब ये चीज़ हमारी है या ये चीज़ उसकी है या ये चीज़ इसकी है या ये मौसम ये चल रहा है, मतलब उसकी, मतलब एक किस्म की ये नाउन की मलकियत को बता रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास हमारा लास्ट है 8 प्रॉपर एडजेक्टिव्स। अ प्रॉपर एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव डैट वाज ड्राइव्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन, कि ये प्रॉपर नाउन से ड्राइव किया गया एंड इज़ देयर फोर कैपिटलाइज्ड। इसीलिए प्रॉपर एडजेक्टिव्स भी जहाँ पर यूज़ होंगे तो उसे भी कैपिटलाइज रखा जाएगा, जैसा कि प्रॉपर नाउन जो है हमने पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन जहाँ भी यूज़ होगा तो ये कैपिटलाइज रखा जाएगा क्योंकि वो ख़ास नाम होगा। इंक्लूड वर्ड्स फॉर नेशनैलिटीज, लैंग्वेजेस एंड एथनिसिटीज, मतलब कि इंक्लूड वर्ड्स, नेशनैलिटीज हो सकता है, लैंग्वेजेस हो सकता है, एथनिसिटीज हो सकता है, मतलब कि उर्दू, इंग्लिश, फ्रेंच, एंड वर्ड्स ड्राइव्ड फ्रॉम पीपल्स नेम्स, इलामा इकबाल, कायद आज़म। तो प्रॉपर एडजेक्टिव वो इसम सिफ्त होते हैं जो किसी ख़ास नाम के हवाले से किसी चीज़ में वस्फी मानी पैदा करते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर एडजेक्टिव्स बिल्कुल प्रॉपर नाउन की तरह ही है, बस वहाँ नाउन और यहाँ एडजेक्टिव्स आ गया। तो ये भी जहाँ पर मतलब कि किसी एक ख़ास जो है सिफ्त को आइडेंटिफाई करना, ठीक हो गया, वो होगा प्रॉपर एडजेक्टिव हमारे पास आ जाएगा। अब सिफ्त में ये भी आ सकता है कि ये बंदा फलाना पाकिस्तानी है, ये इंडियन है, ये अमेरिकन है, या फिर ये तो इंग्लिश मैन है, ये उर्दू मैन है, ये फ्रेंच मैन है, इसी तरह करके। अब उन्होंने नीचे पीपल्स ने भी बताया कि इलामा इकबाल, कायद आज़म, तो मतलब उन्होंने ये कहा है कि प्रॉपर एडजेक्टिव्स भी जहाँ पर यूज़ होंगे ये भी हमेशा कैपिटलाइज किए जाएंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और वो था टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, और ब्रीफली हमने स्टडी किया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल डेजर्ट रोसाइकिस, और काइंडली आप लोग कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। कोई क्वेश्चनिंग हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।